सही गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो आज हम बनाने वाले होममेड पिज्जा। अब आप लोग कहोगे इसमें क्या ही नया है ना, इसमें नया ये कि हम बनाने वाले होममेड बेस है ना। पिज्जा का जो बेस है वो भी हम घर पे बनाने वाले हैं, बट जो बेस है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि इतना डिफिकल्ट है भाई, हमसे तो बनता ही नहीं है। तो चलो देखते हैं हमसे बनता है कि नहीं बनता है ना। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ना मेरे साथ एक चोट हो गई है। तो हुआ कुछ ऐसा कि यार, मतलब मेरा जो ये वाला वीडियो था ना, तो वो डिलीट हो चुका है एकदम भयंकर वाला। मतलब इसी वीडियो में मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी मैंने, बट कोई बात नहीं, उसको मैं अब दे देती हूँ। तो मतलब अभी जो पहला स्टेप है ना, ये मेरे से डिलीट हो गया था। तो इसमें क्या ही करना होता है, ये जो मिक्सचर है ना, ये आपको क्लियर करता है कि आपका आगे पिज़्ज़ा बेस बन सकता है कि नहीं बन सकता है, उसमें इतनी हिम्मत है कि नहीं है, है ना। तो वो कैसे, मतलब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर जो अगर आपकी ईस्ट है ना वो फर्मेंट हो गई, तो ये आपको आगे का स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज आपको आगे का स्टेप बिल्कुल फॉलो नहीं करना है ना। तो इस मिक्सचर को बनाने का तरीका भी मैं बता देती हूँ, है ना, कि आपको 1 कप गुनगुने दूध में 1 चम्मच ईस्ट और 1 चम्मच चीनी लेनी है ना। 2 पिज़्ज़ा बेस के लिए इतना ही मेजरमेंट काफ़ी आपके लिए है ना, इससे आगे जाना नहीं है। तो अब आपको क्या ही करना है ना, आपको इसी मिक्सचर को 10 मिनट के लिए ऐसे ढक के छोड़ देना है। अगर इसके ऊपर बबल्स आते हैं 10 मिनट के बाद, तो ये आपको आगे का स्टेप फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना है। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी। मतलब मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा यार कि मतलब ईस्ट फर्मेंट हो गई यार। क्योंकि एक बार बहुत पहले बनाया था तो मेरी भी ईस्ट फर्मेंट नहीं हुई थी, और मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी कि अब मेरा पिज्जा शायद बन ही नहीं पाएगा कभी, है ना। देखो तो यहाँ पे मैंने लिया एक बोल, इसमें हमें डाल देना है मैदा। मैदा यहाँ पे मैं 2 कप के करीब ले रही हूँ ना। अब इसके बीच में हमें बना देना है एक होल, और उस होल के अंदर हम डाल देंगे यही वाला मिक्सचर जो ईस्ट का हमने बनाया है। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा ऑयल। तो देखो मैं तो इसमें हल्का सा दूध और मिला रही, क्योंकि हमें क्या है ना, इसका डो जो बनाना है ना वो एकदम मतलब ऐसे चिपचिपा सा नहीं होता है, वो बनाना है ताकि हम उसको ऐसे मार मार के है ना, वो उसका जो है ना अंदर का ग्लूटेन डेवलप करना होता है हमें इसमें। देखो मैंने ना इसमें बढ़िया सा ना ग्लूटेन डेवलप कर लिया है, मतलब 15 मिनट तक आराम से मैंने इसको मसला है। तो देखो इस डो को हम 2 घंटे रेस्ट देंगे, है ना। तो अगर जैसे आप लोगों के यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 1 घंटे में ही आराम से फर्मेंट हो जाएगा, अगर जैसे बहुत ठंड पड़ रही है तो उसमें बहुत टाइम लग सकता है, 6 घंटे भी लग सकते हैं, है ना। बाकी अभी तो थोड़ा बारिश का मौसम है, मतलब ठीक है गर्मी भी है, और मतलब नॉर्मल सा मौसम है तो 2 घंटे में हो जाएगा जहाँ तक, है ना। अगर नहीं होता है तो फिर 3 घंटे लगाएंगे और क्या ही है ना। ऑयल ग्रीस करके मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया, अब इसी डो को हम ना इसमें रख देंगे, 2 घंटे में छोड़ देना है ना। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो देखो, जब तक हमारे डो रेस्ट कर रहा है 2 घंटे के लिए, तब तक हमें ना उसका जो पिज़्ज़ा का जो मतलब क्या ही कहते हैं फिलिंग है ना, वो बना देते हैं, मतलब टॉपिंग उसकी जो हम करने वाले हैं। तो ये एक मैजिक इंग्रेडिएंट है आप लोगों के लिए, मतलब सच्ची बता रही हूँ, एक बार ऐसे बना के देखो, आपको विश्वास ही नहीं होना है, कभी विश्वास ही नहीं होना है कि आपका पिज़्ज़ा इतना मतलब बिना चीज़ के चीज़ पिज़्ज़ा बन सकता है, सच्ची बता रही हूँ, है ना। इसका मैंने अलग से भी वीडियो डाला हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं इतनी भी देखोगे ना, तो आपको इसमें आराम से पूरा उसकी मिल जाएगी डिटेल, है ना। तो बस इसमें घी में आपको क्या करना होता है, 1 चम्मच आटा या मैदे को ऐसे सेक लो, और फिर दूध डाल दो, और फिर इसमें नमक मिर्ची डाल दो, है ना। और फिर इसमें मैगी का जो मैजिक मसाला होता है ना, वो तो मेन इंग्रेडिएंट है, वो तो आपको डालना ही डालना है ना। फिर इसको बस अच्छे से पका लो थिक होने तक, और ये अपना मतलब फिलिंग बन के रेडी है यार। सही, 2 hours later मैं सोच भी नहीं सकती थी इतना ज़्यादा मतलब फूल जाएगा। मैंने मेरे को भरोसा नहीं था कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बट ये बन रहा है यार शायद। अब देखते हैं यार, देख सकते हैं यार आप कितना ज़्यादा फूल चुका है भाई, सही में इतना ज़्यादा फूल चुका है, इतना सा डोता, इतना सा, इतना सारा हो गया। सही में तो अब इसको पंच मारते हैं, जैसे सब मारता है ना, हम मार नहीं पाए कभी पर हम मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे ना बस ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ होती है कि आपको ना मतलब इसको बेलन से नहीं बेलना है, आपको तो हाथ से बेलना है, क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कितना ढीला ढीला सा है। तो अब देखो, जैसा कि हम तवे पे पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो उसके लिए क्या ही करना होता है, आपको बस एक तवा ले लेना है बढ़िया सा, और नॉन स्टिक हो तो चलेगा नहीं, तो मतलब नॉन स्टिक लेना तो ज़्यादा बढ़िया है ना। तो अब इसके ऊपर क्या ही करना है, आपको घी या ऑयल कुछ भी ग्रीस कर सकते हो। उसके बाद अपना वही पिज़्ज़ा ली जो हमने रोटी बनाई थी ना एक तरह से, तो पिज़्ज़ा बनाया था उसको उस पर चपेट दो, और फिर इसको ना ढक के ना आपको 10 मिनट पकाना है एकदम मीडियम फ्लेम पर। फिर इसको पलट देना है, ऊपर से भी थोड़ा घी तेल लगा देना, और फिर इसको पलट दो। अब इसके ऊपर बस मनचाही टॉपिंग लगा दो अपनी। अब यार मेरे साथ जो स्टार्टिंग में हुआ था वो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी चोट हो गई, मतलब यहाँ का भी वीडियो है यार, मतलब
डिलीट हो गया मुझसे यार, मतलब बहुत ही पता नहीं कैसे काम करती हूँ, समझ में नहीं आता। खैर को नहीं, तो यहाँ पे बस मैंने शेजवान चटनी लगाई, जो हमारा प्रिपेयर मिक्सचर था वो लगा दिया, और फिर उसके ऊपर बस थोड़ी सी प्याज टमाटर डाल दिए, सीजनिंग डाल दी, और बस हो गया है ना, बन गया अपना पिज्ज़ा। पिज्ज़ा फाइनली हमारा पिज्जा बन के रेडी है, तो बस बारी है तो टेस्ट करने की। भाई मेरे से रहा नहीं जा रहा, मैं तो कर रही हूँ फटाफट से। भाई सही में काफी से बन गया यार, फिर बॉय एकदम क्रंची। हमने क्या इसको पैन पे पकाया था ना, तो उस हिसाब से तो ये बहुत ज्यादा क्रंची हो गया भाई, एकदम बेस ही लग रहा है, जैसे मार्केट से आता ना एकदम वही बेस लग रहा है। तो ये बार ट्राई करना डेफिनेटली बनता है, तो मतलब बिल्कुल डाउट मत रखना, अगर ईस्ट फर्मेंट होती है तो बनता है भाई, भाई बिल्कुल बनता है ना। बस यही है कि ईस्ट फर्मेंट होनी चाहिए, तभी आपका बेस बन पाएगा, बाकी बहुत सही बन गया है। मतलब आप लगेगा ही नहीं कि भाई हमने घर पे बना लिया, सच्ची बता रही हूँ, 100% ट्राई करना तो बनता ही है यार। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता ही है, आप कर सकते हो पर करते नहीं हो यार, है ना। तो कर लो है, और बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।